हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 145, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 31 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है, तो आप यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पार्ट बस के नीचे बाग से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या नया सीखने वाले हैं। नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ बस के नीचे बाग पढ़ा, जिसमें बाग बस जैसी बड़ी चीज को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। अब इस पाठ के कुछ वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं और इस कार्यपत्रिका से कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, बस के नीचे बाग कहानी में हमने ये देखा था कि जो छोटा सा बाग का बच्चा होता है, वो बस को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ को कभी पहले देखा ही नहीं था। आज हम इस पाठ के कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे और इस कार्यपत्रिका में कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न एक, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए बच्चों, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया, और खेलते खेलते वो कहाँ पर आ गया, जो जंगल के पास में सड़क थी वहाँ पर आ गया। सड़क पर एक बस खड़ी थी और सड़क पर एक बस भी खड़ी हुई थी। तो छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। और बच्चों, क्या हुआ कि जब छोटा बाघ वहाँ पर आया, तो उसने देखा कि जो बस है उसका दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो बाघ ने अपना जो अगला पंजा है वो बस की सीढ़ी पर रखा और वो अंदर की तरफ झाँकने लगा। चलिए बच्चों, अब हम इन पंक्तियों के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था। तो छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था, जंगल में खेल रहा था। तो आप यहाँ लिख देंगे जंगल में। ऐसे ही अगला प्रश्न है, बाघ को सड़क पर कौन सा वाहन दिखाई दिया। बच्चों, जब छोटा बाघ खेलते खेलते जंगल के पास वाली सड़क पर आ गया था, तो वहाँ पर उसे कौन सा वाहन दिखाई दिया था, आपको उसका नाम यहाँ पर खुद से लिखना होगा। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला देखते हैं। बच्चों, आप बस में बैठकर कहाँ कहाँ गए हो। बच्चों, आप बस में बैठकर ज़रूर कहीं ना कहीं गए होंगे, तो आपको बताना है कि आप कौन कौन सी जगह गए हो। तो ये आंसर भी आपको खुद से करना होगा। प्रश्न दो, इस कहानी में बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया। यदि आप बाघ की जगह होते तो क्या करते। बच्चों, इस कहानी में बाघ कहाँ छुप जाता है, बस के नीचे छुप जाता है। तो अगर आप बाघ की जगह होते तो आप क्या करते, आपको वो यहाँ पर खुद से लिखना होगा। जैसे कि शायद आप लोगों के पास जाते, या फिर आप खिड़की वाली सीट पर बैठ जाते, या फिर आप जो भी करते, आपको वो यहाँ पर बताना होगा। प्रश्न तीन, इस पाठ में हमने बाघ के बारे में पढ़ा। बाघ जंगल में रहता है। बच्चों, बाघ कहाँ रहता है, बाघ जंगल में रहता है। आपने भी अपने आसपास कई जानवर व पक्षी देखे होंगे, तो आपको उनके नाम लिखने हैं। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारे जानवर और पक्षियों को देखा होगा, तो अब आपको उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ आपको लिखने हैं जानवरों के नाम जिन्हें आपने अपने आसपास देखा है। जैसे कि शायद गाय को देखा होगा, कुत्ता देखा होगा, या फिर और भी कोई जानवर देखे होंगे, तो आपको उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, ऐसे ही पक्षी, तो कौन कौन से पक्षी देखे होंगे। शायद आपने कबूतर देखा होगा, या फिर आपने चिड़िया देखी होगी, या फिर शायद आपने मोर भी देखा होगा। तो जिन जिन पक्षियों को आपने देखा है, उनके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। प्रश्न चार, आपने कई वाहन देखे होंगे, क्या आपने कभी किसी गाड़ी के पहिए गिने हैं। पहियों की संख्या के आधार पर तालिका में अलग अलग गाड़ियों के नाम सही जगह पर लिखिए। बच्चों, आपने बहुत सारे वाहन देखे होंगे, और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि उन वाहनों के जो पहियों की संख्या है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि दो पहियों वाली गाड़ी, तो कौन सी होती है वो, साइकिल, या फिर
मोटरसाइकिल भी होती है, तो आप यहाँ लिख देंगे मोटरसाइकिल, ठीक है। और एक नाम आपको खुद से लिखना होगा। ऐसे ही तीन पहियों वाली गाड़ी तो रिक्शा, रिक्शे के कितने पहिए होते हैं? तीन पहिए। इसके अलावा ऑटो के भी तीन पहिए होते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑटो, ठीक है। और एक नाम आपको खुद से लिखना होगा। ऐसे ही चार पहियों वाली गाड़ी, तो चार पहियों वाली गाड़ी कौन सी होती है? कार और बस। इसके अलावा आपको एक वाहन का नाम खुद से लिखना होगा जिसके चार पहिए होते हैं, ठीक है बच्चों, तो इसे आप ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।